प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो उधर आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है लाल कप्तान, जो आज रिलीज हुई है 18 अक्टूबर 2019। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं मिस्टर सैफ अली खान, जो काफी अच्छे एक्टर है, जिसमें नागा साधु के रोल में दिखाई देते हैं, और उनके ये सपोर्टिंग एक्टर्स है जोया, हुसैन, और विलन के रोल कर रहे हैं मानव विच, जो रहमत खान के नाम से। दरअसल ये स्टोरी जो है एक पिक्चर 18 सेंचुरी की कहानी है, जिसमें हमारे हीरो सैफ अली खान हमेशा हर एक सीन में एकदम क्रोधित दिखाई देते हैं, एकदम गुस्से भी दिखाई देते हैं। जैसे इनका रोल ही ऐसा है, और शुरुआत से लेकर अंत तक बस उन्हें बस एक भूत सवार होता है, बदले की आग रहता है कि उन्हें बस बदला लेना है। और इसमें काफी अच्छे बाकी और सपोर्टिंग एक्टर्स है, जैसे सौरभ सचदेव जो सपोर्टिंग एक्टर्स है, और बाकी सोनाक्षी सिन्हा जो है एक छोटे से क्या रोल के लिए आती है, गेस्ट अपियरेंस, जिसमें उनका चेहरा ढका रहता है। और बाकी और सपोर्टिंग एक्टर्स है जिसमें दीपक दबोरियाल जो एक गरीब से रोल के होते हैं, एकदम अगली रोल के होते हैं, साथ में इनके साथ दो काले कुत्ते लेके घूमते रहते हैं। और काफी सपोर्टिंग एक्टर्स है जैसे सिमोन सिंह, लोग ने भी काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर में काफी अच्छा एक्टिंग किया है, अपने अपना रोल उन्होंने सबने अपना किरदार निभाया है। जैसे इसमें मेन रोल जो है हमारे सैफ अली खान का ही है, जिसमें वो एक नागा साधु के तौर में दिखाई देता है। जैसे इस पिक्चर को आप देखने में ऐसा लगेगा इनका जो ड्रेस कोड है यहाँ वहां से लिया गया है, जैसे कभी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अपने जैक स्पैरो का जो ड्रेस कोड है, उनका जो है सर में जो बांधते हैं एक कफन और एक छोटा सा एक संग लटकता रहता है, वैसा एक ड्रेस कोड है। और मंगल पांडे जी का हमारे पिक्चर देखा होगा अगर आपने, मंगल पांडे जिसमें हमारे आमिर खान जो है उनका जो ड्रेस कोड है वैसा ड्रेस कोड लिया गया है, जिसे दो तीन ड्रेस कोड को मिला के एक रोल में दिया गया है हीरो को इस पिक्चर में, वैसा दिया गया है। सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छा है, जो जिसमें मिस्टर शंकर जो है शंकर रामन जो सिनेमेटोग्राफी उन्हें काफी अच्छा किया गया है। लोकेशन काफी अच्छा है, उन जमाने के तौर में लोकेशन काफी अच्छे से दिखाया गया है, अच्छा सेटिंग भी किया गया है, पर पिक्चर में इतना कुछ दम नहीं है, बस डायलॉग्स थोड़े यहां वहां से हैं। स्क्रिप्ट भले एक ही बंदे ने लिखा है, पर यहां वहां डायलॉग्स थोड़े आगे पीछे हैं, पर पिक्चर में ऐसा इतना कुछ दम नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है शुरुआत से लेकर अंत तक, बस बदला लेना है, बस इसी चाल में चलते रहते हैं, पिक्चर इसी दौर से चलती है। पर पिक्चर में जो विलन के रोल कर रहे हैं मानव विज, जो जिसमें रहमत खान का रोल कर रहे हैं एक राजा के तौर में, उनके भी इतना क्रोधित दिखाया जाता है ताकि वो भी हीरो से एक कदम आगे रहे, ताकि हीरो से क्लाइमैक्स आपस में टकराए, वैसे दिखाया जाता है पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर एक बार देखने लायक है, अगर आप सैफ अली खान के फैन हैं तो फिर पिक्चर आप देख सकते हैं, बाकी पिक्चर एक बार देख सकते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट के तौर में जाते हैं कि रोमांस हो, थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा प्यार हो, ऐसा कुछ है नहीं इस पिक्चर में, बस एक आर्ट मूवी की तरह देख सकते हैं, एक बदले की आग में चलते हैं और बदले लेते हैं एक नागा साधु, बस इसे यही इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये इस पिक्चर में है ऐसी कहानी भी, ठीक है, ये पिक्चर देख सकते हैं आप। ऐसा इस पिक्चर में जिसमें सैफ अली खान ने एक नागा साधु का रोल काफी अच्छी तरह निभाया, और बाकी एक्टर्स जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं मानव विज और सोनाक्षी सिन्हा, दीपक डबोरियाल, इन लोगों ने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया है, काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टिंग किया है। बाकी पिक्चर आप देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, और कुछ इतना कुछ खास नहीं इस पिक्चर में। इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा नए पिक्चर रिव्यू के बारे में लाल कप्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा, और मेरा चैनल सत्या भाई रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।